तो नमस्कार दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। तो अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर के साथ किसी भी भाव में स्थित हो सकते हैं। अगर आपकी मिथुन राशि है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की, और ये साप्ताहिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले बात करेंगे 1 और 2 अक्टूबर की, और ये जो आपका साप्ताहिक राशिफल है वो 1 से 7 अक्टूबर के लिए रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए 1 और 2 अक्टूबर की, तो इसमें जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी आपके राशि स्थान से, वो दशम स्थान पे रहेगी। दशम स्थान में चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। तो जो जातक अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शुरुआती 2 दिन बहुत ही अच्छे होंगे, और 1 और 2 तारीख को आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। जो जातक पहले से ही जॉब कर रहे हैं, उनको प्रमोशन का चांस बहुत अच्छा मिल सकता है। अगर आपका अपने बॉस के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, फिर भी आपके बॉस आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, समय पे आपको सैलरी नहीं मिल रही और आपके काम की सराहना नहीं हो रही है, तो अब आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही अब आपके काम की सराहना होगी और आपको इंक्रीमेंट लग सकती है, या फिर यूँ कहें कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, और आपको कुछ रिवार्ड वगैरह भी मिल सकता है इसमें। तो ये जो समय रहेगा शुरुआती 2 दिन का, ये काफी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों को इसमें बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही आपका जो फोकस रहेगा शुरुआती 2 दिन में, वो कहीं ना कहीं जॉब पर रहेगा। जो जातक अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका फोकस भी, उनकी जो टेंशन माइंड में जो उनके चलेगी, वो जॉब को लेके ही ज्यादा रहेगी। इसके अलावा चंद्रमा यहाँ से 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस को जब चंद्रमा देखेंगे तो आपकी माता जी की सेहत को लेके कोई समस्या थी, उसमें सुधार होगा। साथ ही साथ आप घर से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। आपका घर पे काफी अच्छा मन लगेगा और घर पर जो माहौल है वो काफी शांतिपूर्ण रहेगा। तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है, और इस समय में जितना ज्यादा आप मन लगाकर काम करेंगे, उतनी ज्यादा सक्सेस आपको इस समय में देखने को मिलेगी। तो इस समय में आप घर के प्रति रुचि जगाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है वो घर में बहुत ज़्यादा रहेगा। अपनी माता जी के साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत बेहतर होगा। तो ये समय काफ़ी अच्छा है। शुरुआत इस वीक की आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, ये काफ़ी अच्छी हो रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 3 और 4 अक्टूबर को चंद्रमा आपके दशम भाव से निकलकर वो आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। लाभ भाव में चंद्रमा का ये गोचर आपको धन संबंधी मामलों में काफी अच्छी सफलता दिलाएगा। और यहाँ पर क्योंकि जो चंद्रमा है, हालांकि चंद्रमा एक एक से लेकर 3 तारीख तक तो वो रहेंगे, लेकिन फिर वो बाद में यहाँ से चले जाएंगे मीन राशि में, तो आपके वो दशम स्थान में आ जाएंगे। तो ये जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए काफी अच्छी बनेगी, लेकिन जो 3 तारीख की स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। कुल मिलाकर कोई प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है, और आपको अपने बड़े भाई से अच्छा सहयोग मिल सकता है। कुछ आपके नए दोस्त बन सकते हैं जो आपको धन संबंधी सहायता कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी से पैसा लेना है, किसी से पैसा चाहिए, या धन को लेके कोई काम ऐसा आपका रुका हुआ है जो आपको करना है अभी, तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस समय में आप अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे धन को लेके। तो ये स्थिति आपको लाभ प्रदान करेगी, और धन से जुड़े हुए जो भी काम हैं उनमें अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इसके साथ ही चंद्रमा आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो 5th हाउस को जब चंद्रमा देखेंगे तो प्रेम संबंधों के लिए स्थिति काफी अच्छी रहेगी। संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, संतान पक्ष का आपको अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। और जो जातक किसी प्रकार की क्रिएटिव स्किल्स में व्यस्त रहते हैं, जो एक कलाकार के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने, उनकी जो कलाकृति है या उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो उभर कर सामने आएंगी। अगर आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं, आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, तो आप अपनी कलाओं को अपने जो भी ऑडियंस है उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, और इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और कुल मिलाकर इस समय में अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह में कहीं पर पैसा लगाते हैं, तो ये समय आपके लिए काफी उपयुक्त रहेगा, और इस समय में आपको धन का लाभ अवश्य होगा। साथ ही साथ आपको
उच्च सरकारी पदों पर बैठे हुए लोगों से काफी सहायता मिलेगी और इस समय में अचानक आपको धन मिल सकता है। चंद्रमा पंचम भाव को देख रहे हैं तो आप अपनी एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहेंगे और एजुकेशन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, आप स्कूल या कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा आपका साथ देगा और कहीं ना कहीं आपको बड़े लोगों से, बुजुर्ग लोगों से भी सहायता मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये जो ट्रांजिट रहेगा 3 और 4 अक्टूबर का, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए मेष राशि के बाद अब चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पर ये कुल 3 दिनों के लिए रहेंगे। तो यहाँ पर जो स्थिति रहेगी 5, 6 और 7 अक्टूबर को रहेगी। 5, 6 और 7 अक्टूबर को चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहने से थोड़ा सा अनिद्रा की समस्या हो सकती है, हो सकता है आपका जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाए, आपकी दिनचर्या बिगड़ जाए, आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के लिए तो वो आने वाले दिनों में आप लीजिए। इस समय में आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं नए कोई बड़े डिसीजन को, क्योंकि इस समय में गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो रहेगा जिससे आप कोई भी डिसीजन समय पर नहीं कर पाएंगे। इस समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको घेर सकती हैं, आपको यहाँ तक कि डॉक्टरी सलाह भी लेनी पड़ सकती है और कुछ काम ऐसे आपको पड़ जाएंगे जहाँ पर आपको डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा तो आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप तुरंत डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ी परेशानी होगी और वो जो काम था आपका जिसके लिए आपको निर्णय लेना था, डिसीजन लेना था, वो निकल जाएगा तो समय आपका निकल जाएगा और उस वजह से आपको काफ़ी परेशानी इस समय में देखने को मिलेगी। तो ये समय है, थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा और कोई भी डिसीजन है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, सही डिसीजन ले पा रहे हैं तभी आप डिसीजन लें, वरना आगे के लिए आप उनको पेंडिंग छोड़ दें। यहाँ पर चंद्रमा के होने से कुछ धन का खर्चा आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इस समय में किसी को भी आप पैसा उधार ना दें और ना ही किसी से आपको पैसा उधार लेना है। इस समय में आपके छुपे हुए शत्रु हैं वो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं और थोड़ी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रहने से शरीर है वो इतना फास्ट काम नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर आप इस समय में थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर पाएंगे और आपका जो मन है वो स्पिरिचुअल कामों में बहुत ज़्यादा रहेगा और थोड़े से आप सेक्रेटिव भी रहेंगे। इस समय में अगर आप ऋण लेते हैं, कहीं से पैसा उधार लेते हैं तो आप फंस सकते हैं। इसके अलावा इस समय में किसी के साथ भी वाद विवाद में ना उलझें, तर्क वितर्क ना करें और विशेषकर अपने शत्रुओं से दूर रहें और उनसे दूरी बनाकर अवश्य रखें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा वीक रहेगा आपके लिए, अंत में थोड़ी परेशानी आपको अवश्य को देखने को मिल सकती है लेकिन आपको शुरुआत में काफ़ी अच्छा ये वीक रहेगा और आपको ये बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में और धन से जुड़े हुए मामलों में। ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुभ अंक और रंग की। इस पहले वीक में अक्टूबर में आपके लिए शुभ अंक रहेगा 7 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा ब्राउन यानी भूरा। तो फिलहाल बस इस साप्ताहिक राशिफल में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।